गया में जो पिछले दिनों घटना घटी वह मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना, निर्भया कांड से भी बड़ी घटना। एक पिता को पेड़ में बांधकर उसकी पुत्री और उसकी पत्नी के साथ जो बलात्कार किया गया, और जो वहाँ के प्रशासन का रोल था जो बिल्कुल कंडेमेबल था, इसको पूरी दुनिया में, इससे बिहार का सर शर्म से झुक गया। उस घटना को लेकर राष्ट्रीय जनता दल की एक ऑब्जर्वेशन टीम, जांच समिति वहां पर गई थी। प्रशासन के द्वारा मैनिपुलेट की जा रही है उसकी तरफ हम लोग को ध्यान देना चाहिए, उसका ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। उसी ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोग उनकी उस व्यक्ति से, डॉक्टर जिनके साथ, जिनके परिवार के साथ ये घटना घटी, उनकी पुत्री और उनकी पत्नी के साथ हम लोगों ने बातचीत की, और सच्चाई का पता करते हुए हम लोगों ने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि 38 घंटे बाद उस लड़की की मेडिकल जांच कराई गई, जबकि परंपरानुसार और तकनीकी दृष्टिकोण से भी 24 घंटे के अंदर की हुई जांच में ही सच्चाई का पता लगने का चांस ज़्यादा रहता है। इस बात पर, इस सवाल को हम लोगों ने उठाया, और उसके साथ हम लोग उसकी माँ से भी मिले, परिवार के लोगों से मिले, गांव के मुखिया, सरपंच और आसपास के लोगों से हम लोगों ने मिलकर उन लोगों की बातें सुनी। घटना स्थल पर जाकर हम लोगों ने उसका निरीक्षण किया, और उसके बाद उसकी रिपोर्ट हमने अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के को समर्पित किया। उसके साथ ही हमें पता चला कि जिला प्रशासन ने हम लोगों पर केस कर दिया है, जबकि यह तथ्य से पड़े है कि जो घटना बार बार दिखाई जा रही थी वो बिल्कुल मनगढ़ंत रूप से उस पर कहानी बनाकर उसे दिखाया गया। पूरे देश और दुनिया में उसको इतना नचाया गया जितना कि निर्भया कांड से लेकर और गया के कांड तक की घटना को के बारे में नहीं बताया गया होगा। तो यह सरकार के वेस्टेड इंटरेस्ट, जो अपराधी है उनको बचाने की कोशिश में हमारी जांच खलल बन रही थी, इसीलिए इस तरह की घटना को अंजाम, इस तरह के मतलब मैनेजमेंट के माध्यम से इस तरह की चीज़ों को अंजाम दिया गया। और राष्ट्रीय जनता दल के जो जांच टीम थी, उसके जो पदाधिकारी थे, उसमें उनके इमेज को खराब करने, उनके बारे में गलत प्रचार करके और उनके इमेज को ख़राब करने का, उनके चेहरे को दागदार बनाने का कोशिश किया गया। यद्यपि यह एक पॉलिटिकल केस ही है, लेकिन सरकार ने मुख्य घटना के आरोपियों को बचाने के दृष्टिकोण से इन सारे एपिसोड को अंजाम दिया है। हम उसकी तीखी भर्त्सना करते हैं, और हम कहना चाहते हैं कि बहुत सौहार्दपूर्ण ढंग से हम लोगों ने उस परिवार से बात करके और उसमें उनके साथ जो दिक्कत हो रही थी उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाया, तब जाके प्रशासन ने उसमें करेक्शन करने की कोशिश की है, और इससे पूरा राज्य, पूरा देश शर्मसार है। बिहार में रोज़ बलात्कार, हत्या, अपहरण की घटनाएं घट रही हैं, और उसके आंकड़े, जो सरकारी आंकड़े हैं, वो बताते हैं कि बिहार में जिन लोगों ने कहा, जो लोग कहते थे कि 15 साल के शासनकाल में 6 बजे शाम में
पटना में निकलना दुश्वार था, आज वो अपना आईने में अपने चेहरे को देख लें कि आज क्या हो रहा है, कि इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ और लेकिन सरकार बिल्कुल उसके प्रति अगंभीर है। वहाँ के जनप्रतिनिधि जो NDA के लोग हैं वो लोग आज तक उस परिजन उनके परिजनों से मिलने तक नहीं गए। और राष्ट्रीय जनता दल के क्या कोई पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल इस राज्य का सबसे बड़ा दल है, इस विधानसभा में सबसे बड़ा दल है, विधानमंडल में सबसे बड़ा दल होते हुए भी विपक्ष में बैठा है। क्या विपक्ष एक कमज़ोर विपक्ष की भी भूमिका होगी कि यदि कोई इतनी बड़ी घटना घटी हो तो उस पर अपना ऑब्जर्वेशन दे और उसमें कहीं दिक्कत, कहीं सरकार की ओर से गलती हो रही है तो उसको सुझाने का काम करें। यह तो हमारा बहुत बड़ा विपक्ष है और विपक्ष की जिम्मेवारी है या उसकी जिम्मेवारी का हिस्सा है कि वहाँ जाकर ऑब्जर्वेशन करें। और मैं आरोप लगाता हूँ कि प्रशासन के लोगों ने हमारी जाँच में बाधा डालने का काम किया इस तरह के कार्यों को करके। और जो क्या किसी परिवार के पीड़ित परिवार को के प्रति सद्भावना व्यक्त करना, उन्हें ढांढसा बंधाना, उन्हें साइकोलॉजिकली सपोर्ट करना, क्या यह अपराध है? यदि अपराध है तो हम उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। हम सारे जांच दल के लोग जिस पर या उसके अलावे भी जिन लोगों पर FIR किया गया है, हम सब लोग सजा भुगतने के लिए तैयार हैं, सरकार हमें जेल में बंद करे। लेकिन उस अबला को, उस महिला को, उसकी बेटी को और उनके पति को, उस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। हमने 50 लाख रुपया मुआवजे की मांग की है, उस परिवार के रिहैबिलिटेशन की मांग की है और त्वरित गति से उसके अपराधियों को पकड़ के और फांसी पर लटकाने की मांग हम लोगों ने की है। और हम फिर से दोहराते हैं और हम सरकार के इस कार्य का जिसने हमारी जांच में बाधा पैदा करने की कोशिश की और उन तमाम लोग समाज के पिछड़े समाज के लोग थे जिनके परिवार के साथ ऐसा कुकृत किया गया, हम सारे लोग जो जांच दल में थे सभी पिछड़े परिवार के लोग थे। सरकार क्या चाहती है? सरकार जो चाहती है कि 90 से पहले का बिहार बन जाए, तो सरकार को मैं आगाह करना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल और उसके नेता माननीय लालू प्रसाद जी अभी जिंदा हैं और यह राष्ट्रीय जनता दल कतई नहीं होने देगा कि सर बिहार को 90 के पहले के बिहार में बदलने दें। हम जनता के बीच जाएंगे, सरकार का रवैया यदि इन चीज़ों के प्रति नहीं बदला और बिहार में अपराध का यही ग्राफ रहा, तो हम निवेदन करना चाहेंगे अपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी से कि वह जनता के बीच चलें और गया से यहाँ तक जो है लोगों के बीच जाकर और इन बातों को रखें और जनता को इसके प्रति जागरूक करें, ताकि बिहार की सरकार के प्रति, जो बिहार की सरकार कुछ चुने हुए मीडिया के माध्यम से जनता के बीच राष्ट्रीय जनता दल और उसके नेताओं का इमेज असैसिनेशन करने की कोशिश कर रही है और मूल जो घटना है उसे ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, उस पर वो रोक लगावे और शीघ्रातिशीघ्र जो दोषी पदाधिकारी हैं जिन्होंने झूठे मुकदमे करने का काम किया है, जो इस तरह के कार्य में बाधा डाले हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो पूरे देश में दिखाया गया वो पूरी घटना का एक छोटा पार्ट दिखाया गया। पूरी घटना को यदि दिखाया जाता तो निश्चित रूप से जनता, हम लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे वो आहत हो, और वो जो गुस्सा लड़की दिखा रही थी वो हमारे चंद मीडिया के साथ ही वहाँ पहुँच गए थे अनभिज्ञतावश, और वो मीडिया के सामने नहीं बोलना चाहती, उन पर दिखा रही थी और उसको दूसरे ढंग से पेश करके और हमारे इमेज को ख़राब करने की कोशिश की गई। मैं जिंदाबाद के नारे कोई जांच दल की टीम ने नहीं लगाए। जिंदाबाद यदि वो हॉस्पिटल कैंपस था, वहाँ पर चूँकि वो बहुत सारी बातें हैं जिसको कोर्ट में हमें बोलना है, हम पब्लिक में नहीं बोल सकते, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि यह एक साजिश की गई। साजिश के तहत तमाम हमारे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम उससे डरने वाले नहीं हैं। हम खुलकर कहना चाह रहे हैं, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं,
लेकिन उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। उसकी तरफ आपसे भी निवेदन है कि आप अपना कैमरा उनकी तरफ घुमाइए कि वो उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। निर्भया कांड से भी भयानक कांड था ये, और इसको दबाने की कोशिश की गई, और बिहार में अपने इमेज को बचाने के लिए सरकार कुछ भी करने के लिए तैयार है, इसी बात का यह द्योतक। किसने कहा कि लड़की की पहचान हमारे माध्यम से उजागर हुई? यह गलत प्रचार किया जा रहा है, हमें अफसोस क्यों होगा? मैं आज भी कह रहा हूँ, उनके परिवार से जाकर, उनके परिवार वालों ने जितना प्यार और मोहब्बत के साथ हम लोगों से बातें की है और अपनी बातों को बताया है जो उनके साथ घटित हुआ, 24 घंटे के बजाय 38 घंटा बाद जाकर उस लड़की की मेडिकल जाँच हुई, यह उस जाँच का सबसे बड़ा दोष है, उसको हमने उजागर करने का काम किया। दो दिन आलोक जी, इसके पहले भी राजद की कई टीमें जांच के लिए गई हैं, जांच दल गया है, कभी ऐसा आरोप नहीं सुनने को आया कि पहली बार आप तो कह ही दिया कि कंस्पिरेसी का। मैं तो कह रहा हूं कि यह साजिश का हिस्सा है। अब कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ, तो यहां तो लोग खोज रहे हैं रोज कि कब किस मौके पर मैंने किसका सहारा लेकर। मीडिया के साथ ही लाल यह सरकार बहुत हार्ड टास्क मास्टर है, एडवर्टीजमेंट कुछ चुने हुए मीडिया को यूं ही नहीं दे रहे हैं, उसका एक्सट्रैक्शन भी निकालना चाहते हैं, कंस्पिरेसी का हिस्सा। जी बीजेपी की ओर से बयान आया है कि जो कार्य आपने पता चलिए आपको पार्टी से निकाल देना चाहिए, जेल में डाल देना चाहिए, आपके पार्टी के नेता कहां थे? जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के लोग अपने गिरेवान में झांक कर देखें उनके नेताओं ने क्या क्या किया है, और वो जिस दिन नहीं, हमने क्या किया है जो डालने की बात कर रहे हैं लोग, हमने क्या किया है? क्या वो 12 बलात्कारी जो लोग थे उससे भी बड़ा अपराध हुआ है कुछ? यदि उनका कहना भी है, यदि उनकी बात सही भी हो, तो क्या उससे भी बड़ा अपराध है? ये मैं पूछता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग और बिहार चुनाव आयोग, बिहार के जो महिला आयोग की टीम गई थी, महिला आयोग को बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए था। सबसे पहले उस लड़की और उस परिवार के साथ जो घटना घटी उस पर जांच जानी चाहिए थी, उस पर जांच जाके नहीं, वहाँ पर आलोक मेहता पर जांच जा रही थी। ये बहुत आश्चर्य का विषय है, इस देश में इतनी बड़ी घटना घट गई इस राज्य के अंदर, और उसको संज्ञान में न लेकर किसी और चीज़ को संज्ञान में लिया जा रहा है। यदि हमारे पार्टी के लोगों के साथ यदि कोई पार्टी के लोगों ने कोई गलती की हो तो उसकी सजा कोर्ट देगी। लेकिन आप लोगों ने किया वो सही है, हम लोगों ने कहा ये बात, जो कोई भी इस पर दलील होगी वो हम कोर्ट में देंगे। ये पब्लिक ट्रायल और मीडिया ट्रायल हम नहीं करना चाहते, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि इमेज खराब करने के लिए यदि जो चीज़ें दिखाई गई हैं, मैं उसकी मुखालफत करता हूं, उस साजिश की निंदा करता हूं, और दोषी व्यक्तियों के को सजा देने की मांग करता हूं।